फलस्तीन योम दिफा पाकिस्तान में फौज की सरहदों के दिफा में कुर्बानियों की याद में कौमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। 6 सितंबर की सुबह भारत ने अचानक पाकिस्तान पर हमला कर दिया, इस सोच के साथ कि वो सुबह का नाश्ता लाहौर करेंगे। जो सुबह का नाश्ता लाहौर करने चले थे, सारी जिंदगी का खाना भूल गए। 6 सितंबर की तारीख 1965 का वो दिन है जब भारतीय फौजियों ने जम्मू कश्मीर को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान के ऑपरेशन ग्रैंड स्लम के रास्ते में पाकिस्तान पंजाब पर हमला करने के लिए बैनुल अक्वामी सरहद उबूर की। पाकिस्तानी बयानिए में कहा गया कि ये हिंदुस्तान का गैर मनकूला हैरत अंगेज हमला था, जिसे पाक फौज ने इसके छोटे साइज और कम हथियारों के बावजूद भी पसपा कर दिया। नाज़रीन, पाक हिंदुस्तान की जंग 1965 की इब्तदा तब हुई जब 7,000 से 8,000 खुसूसी तरबियत याफ्ता मुजाहिदीन को छापा मारने के लिए वादी कश्मीर में भेजा गया, जिसका मकसद आबादी को बगावत पर उकसाना और हिंदुस्तानी फौज के मजालिम को मुंतशिर करना था। दूसरे मरहले में 1 सितंबर को उन्होंने जम्मू डिवीजन में अखबार पुल की तरफ ऑपरेशन ग्रैंड स्लम के नाम से टैंक हमला किया। इनका इरादा एक मुख्तसर और तेज अमली ऑपरेशन करना था। स्कॉलर शुजा नवाज के मुताबिक पाकिस्तानी जनरल अखबार पुल पर कब्जा करना चाहता था और वादी कश्मीर के साथ हिंदुस्तान के रब्ता बंद करने के लिए जम्मू कश्मीर की तरफ रुख किया था। पाकिस्तानियों ने भारतीय वजीर आजम की इस इत्तबा को नजरअंदाज किया था कि अगर कश्मीर पर हमला हुआ तो भारत पाकिस्तान से जवाबी कार्रवाई करेगा। 6 सितंबर को अपने पहले से ऐलान करता हिकमत अमली के मुताबिक भारतीय फौज ने लाहौर के करीब ग्रैंड ट्रंक रोड को काटने के मकसद से पंजाब में बैन अल-अक़वामी सरहद अबूर की। यह हमला पाकिस्तानी कमांडरों के लिए हैरत ज़दा था। एयर मार्शल नूर खान के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल मूसा खान ने जंग के दूसरे दिन सदर को बताया कि पाक फौज गोला बारूद से बाहर हो चुकी है। इनका कहना है कि इस जंग में फौज को भारी नुकसान हुआ है, जिस वजह से फिर 23 सितंबर को पाकिस्तान ने अक्वामे मुतहिदा के माबैन जंग बंदी कबूल कर ली। नाज़रीन, हर साल इसी मौका पर तकरीबात और परेड का इनेकाद किया जाता है। आर्मी ऑफ पाकिस्तान अपने जदीद मिसाइल, टैंक्स, बंदूकें, आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर्स और असलहा दिखाती है, जो इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कोर, आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल्स, आर्मी सर्विसेज कोर और आर्मी मेडिकल कोर इस्तेमाल कर रहे हैं। हर एक को मखसूस मकामात पर जाकर ऐसे अफाल को बराहे रास्त देखने की इजाजत है। ये शो कौमी टेलीविजन पर भी बराहे रास्त दिखाया जाता है। 6 सितंबर 1965 के बारे में खुसूसी दस्तावेजी फिल्में और इस दिन शहीद होने वाले लोगों की कहानियां टीवी पर अवेजा होती हैं। हकायक बताए जाते हैं कि किस तरह लोगों ने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया और इस तरह नौजवान नस्ल और बच्चों को उनकी जिम्मेदारी भी बताई जाती है, जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। और नाजरीन, इस दिन मज़ारे कायद कराची में गार्ड की तब्दीली की तकरीब भी मुनाकिद की जाती है, जहां पाक फजाया अकेडमी के कैडेट्स गार्ड ऑफ ऑनर पेश करते हैं और चार्ज संभाल लेते हैं। ये गाजी, ये तेरे पुरइसरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोके खुदाई, दुनी में इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।